हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर जीडी का दोस्तों पेपर, जो कि अल्मोड़ा का यहाँ पर है और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। इसके देखिए मैथमेटिक्स के पार्ट कराए जा चुके हैं दोस्तों, और जो बचे क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आराम से आप वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो देखिए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर ए से। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है दोस्तों, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? आपको बताना है हु इज़ द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। ये दोस्तों कौन होंगे, मार्क जुकरबर्ग या सुंदर पिचाई या ग्राहम बेल या रतन टाटा? ये दोस्तों हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों सुंदर पिचाई के बारे में आपको मालूम होगा, ये है दोस्तों अल्फाबेट कंपनी के, जो अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी है, उसके दोस्तों सीईओ हैं, जो कि सर्वाधिक सैलरी दोस्तों अभी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर है? आपको बताना है वेयर इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोल रिफाइनरी इन इंडिया सिचुएटेड। ये दोस्तों कहाँ पर है, जामनगर में होगी या मुंबई में या डिगबोई में या फिर विशाखापत्तनम में? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी जामनगर में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो कि दोस्तों कहाँ पर है, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में पड़ता है दोस्तों बुनियादी तौर पर रिलायंस कंपनी के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, तो ये विश्व की एक प्रकार से बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा वाला द्वीप आपको बताना है, अर्थात द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड एज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका द्वीप होता होता क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार से बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बीच में ज़मीन होगी और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि सर्वाधिक बड़ा जो है विश्व में, जो सबसे बड़ा है वो वाला द्वीप कौन सा वाला है? ये ग्रीनलैंड होगा या क्यूबा होगा या जावा होगा या फिर मेडागास्कर होगा? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो कि दोस्तों कहाँ पर है, अंटार्कटिका और अटलांटिक के दोस्तों बीच में स्थित है, अटलांटिक और अंटार्कटिका की बीच में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? आपको बताना है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जहाँ पर झीलें होंगी उसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हज़ारों झीलों का देश, तो ये कौन सा वाला देश होगा आपको बताना है, न्यूजीलैंड होगा या आयरलैंड होगा या आइसलैंड होगा या फिनलैंड होगा? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। फिनलैंड में दोस्तों बहुत ज़्यादा झीलें हैं, बहुत ही ज़्यादा झीलें हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 26 व्यक्तियों में दोस्तों एक झील होती है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सारी झीलें होंगी। और यहाँ की जो सर्वाधिक बड़ी वाली झील है वो दोस्तों साइमा झील है, साइमा हो सकता है आपको पूछा जाए, तो साइमा झील आपकी सर्वाधिक बड़े वाली मानी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है दिल्ली इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? ये दोस्तों गणक होगा या गोमती या यमुना या सरयू? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक दोस्तों आपका क्वेश्चन हमेशा आर्मी में देखिए, जो मुख्य मुख्य शहर हैं उनको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाला शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? अर्थात आपको बताना है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री होंगे या महात्मा गांधी होंगे या मोतीलाल नेहरू होंगे या फिर सरदार पटेल होंगे? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बारदोली के आंदोलन के बाद दोस्तों, जो बारदोली का आंदोलन हुआ था तब गांधी जी जेल में थे, तो उस समय दोस्तों इन्होंने ही नेतृत्व किया था उस आंदोलन का, तो वहीं से इनका नाम सरदार पड़ा था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है बताना है, अर्थात डैडेस इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये लखनऊ होगा या इलाहाबाद होगा या मुंबई होगा या फिर दिल्ली होगा? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मुंबई दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता हैं? आपको बताना है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका? अशोका के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा, इनको चक्रवर्ती, राजा चक्रवर्ती या फिर आप कहें शांतिप्रिय, देव शांतिप्रिय कहा जाता है अशोक, और ये महान राजा रहे हैं दोस्तों, और विश्व में जो सर्वाधिक, जो बड़ा एक प्रकार से आप शक्तिशाली कह सकते हैं साम्राज्य था, वो दोस्तों इनका था, इनका रहा है। तो ये साम्राज्य दोस्तों इनका था मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में ये पैदा हुए थे दोस्तों, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो आपको बताना है यहाँ पर पिता कौन है, तो पिता दोस्तों बिंदुसार हो जाएंगे, और यदि आपको दादा पूछा जाए तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे दोस्तों बिंदुसार हो गए, और बिंदुसार के बेटे राजा अशोक हो गए, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे होता है, आपको बताना है हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा के बारे में आपको मालूम होगा, हमारे संसद में दोस्तों दो प्रकार के सदन होते हैं व्यवस्था में, वहाँ पर आपके एक उच्च सदन होता है उच्च वाला और एक आपका निम्न वाला सदन होता है। इसमें जो आपका निचला वाला सदन होता है दोस्तों वो लोकसभा कहलाता है। तो इसमें देखिए जो मेंबर आते हैं वो एक प्रकार से दोस्तों सीधे जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं और इसमें लगभग दोस्तों 500 अधिकांश यदि आप बात करें तो 552 मेंबर होते हैं अधिकांश यहाँ पर हो सकते हैं। इनमें से 530 जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 दोस्तों मेंबर जो होते हैं चुने गए नेता वो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का नेतृत्व करते हैं। यदि दोस्तों फिर भी प्रतिनिधित्व कम पड़ता है तो वहाँ पर दोनों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला आपको यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया, सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचन, दूसरा आपको दिया आंशिक निर्वाचन एवं आंशिक नामांकन, तीसरा आपको दिया है परोक्ष रूप से निर्वाचन, चौथा आपको दिया नामांकन किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों सीधे लोगों के द्वारा एक प्रकार से निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, अर्थात सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये दोस्तों नर्मदा पर होगा या गोदावरी पर होगा या गंगा पर होगा या फिर कोसी पर होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में दोस्तों बहुत बड़ा डैम है ये दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़े डैम है उनमें दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इसकी यदि आप लंबाई की बात करें तो 138 दोस्तों लगभग ये मीटर यहाँ पर पड़ता है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो गुजरात के इलाकों में पानी पहुँचाना और दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश में बिजली को पहुँचाना होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डैम हैं लगभग दोस्तों, अब यहाँ पर नर्मदा नदी पर ही लगभग आपके 30-40 डैम बने हुए हैं, तो इनका इनमें सर्वाधिक जो बड़ा वाला है ये दोस्तों सरदार सरोवर योजना ही है या फिर आप कहें बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थार रेगिस्तान किस देश में है, आपको बताना है, आपको बताना है थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये दोस्तों भारत में होगा या इजिप्ट में होगा या नेपाल में होगा या मंगोलिया में होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। भारत में दोस्तों जो सबसे बड़ा वाला मरुस्थल है वो दोस्तों थार का ही मरुस्थल है। यदि आप विश्व की बात करें तो विश्व का दोस्तों पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल, बार बार पूछा जाता है, सहारा मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा वाला मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में दोस्तों पड़ता है। अफ्रीका को आप काला महाद्वीप भी कहते हैं, काला द्वीप कहते हैं। तो ये दोस्तों सहारा मरुस्थल है बड़ा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, आपको बताना है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी अभी आपको हमने बताया था जो अशोक के दादा थे कौन थे दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दोस्तों एक प्रकार से इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यदि इसका काल आप देखें दोस्तों, यदि आप समय देखें इसका, वो आपका लगभग दोस्तों 322 से लेके दोस्तों लगभग 185 ईसा पूर्व तक का रहा है, ईसा पूर्व कहेंगे आप, तो उस काल का दोस्तों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य रहा है और ये दोस्तों लगभग विश्व में उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली एक प्रकार से माना जाता था। और इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो दोस्तों मौर्य साम्राज्य मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो योगदान दिया था दोस्तों मुख्य रूप से वो दिया था चाणक्य ने, चाणक्य आपको मालूम होगा जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, और ये दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये भी आपको पूछा जाता है, बताइए मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी वाली सर्वोत्तम पर्वत चोटी है, अर्थात आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये दोस्तों यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा होगा या नंदा देवी होगा या केटू होगा या गंगा पर्वत होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा केटू, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। सर्वाधिक यदि आप बात करें दोस्तों तो वो है आपका एवरेस्ट 8848 मीटर। तो ये एवरेस्ट चोटी है दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी ऊंची वाली चोटी है। उसके बाद पड़ता है केटू, केटू की ऊंचाई देखें दोस्तों आप 8611 होती है मीटर में। और उसके बाद में पड़ता है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा की है दोस्तों आपकी 8585 मीटर में आएगी ये भी, तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, अर्थात आपको बताना है इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये दोस्तों आगरा होगा या फिर दिल्ली होगा या मुंबई होगा या जयपुर होगा। ये दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, अर्थात आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है अर्थात जो भारतीय सैन्य अकादमी है दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला होगा। और यहाँ पर दोस्तों अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अधिकारी प्रशिक्षण
एक प्रकार से आप स्कूल कह सकते हैं इसको, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन नंबर बी में देखिए, इसके क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको एक्सप्लेन में बता रखे हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यदि आपको एक्सप्लेन में देखना हो तो आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ पर आपको पूरे विस्तार में बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, रेबीज़ किसके कारण होता है? आपको बताना, रेबीज़ इज कॉज्ड बाई कुत्ते के काटने से, या दूषित पानी पीने से, या दूषित भोजन से, या प्रदूषण से। ये दोस्तों यहाँ पर होता है खासतौर पर कुत्ते के काटने से, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताना है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी वाली ग्रंथि कौन सी वाली है? आपको बताना है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ये हृदय होगा, या यकृत होगा, या फेफड़ा होगा, या फिर गुर्दा होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपको छोटा पूछा जाता है तो आप बता देंगे पीयूष होता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या फिर आप उसे पिट्यूटरी भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी के अचानक रुकने से दोस्तों आदमी डैडेस गिरता है, अर्थात व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेन टू फॉल, ये दोस्तों कहाँ को गिरेगा, नीचे की ओर, या फिर आगे की ओर, या फिर ऊपर की ओर, या फिर पीछे की ओर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे की ओर गिरेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गति का प्रथम नियम लगता है, आपको याद होना चाहिए, जो कि आपका जड़त्व का नियम कहलाता है, गति का दोस्तों प्रथम नियम, इसमें दोस्तों आगे की ओर झुकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड, ये दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि सभी लोग दोस्तों इसको ले सकते हैं। वैसे यदि आपको पूछा जाए कि बताइए सर्व सर्वदाता कौन सा वाला होता है, अर्थात जो सभी को दोस्तों दे सकता है, वो हो जाएगा आपका ओ, तो ओ सर्वदाता हो गया। और ए भी दोस्तों सर्वग्राही कहलाता है, अर्थात सभी लोग दोस्तों इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा वाला दर्पण प्रयोग में आता है? अर्थात आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू हेडलाइट ऑफ कार, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हेडलाइटें होती हैं कार के आगे से, उनमें दोस्तों किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। इसमें अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या साधारण दर्पण का, या काला का, यहाँ पर दोस्तों यूज़ किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों प्रकाश को एक प्रकार से डाइवर्जेंट करता है, अर्थात फैलाने का कार्य करता है, तो इसीलिए यहाँ पर अवतल का प्रयोग होता है। और यदि दोस्तों आपको पूछा जाए जो पशु दृश्य होते हैं तो उनको देखने के लिए गाड़ियों में कौन से वाले शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता देंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? अर्थात आपको बताना है, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, ये दोस्तों हृदय गति को मापने के लिए, या भूकंप को, या विद्युत धारा का प्रवाह, या रक्तचाप को, ये दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, भूकंप मापने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? आपको बताना है, इन आर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्टेड, क्या जोड़ते हैं दोस्तों, मांसपेशियों को चमड़ी से, या मांसपेशियों को मांसपेशियों से, या हड्डी को हड्डी से, या मांसपेशियों को हड्डी से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों दो हड्डियों के बीच में एक यहाँ पर प्लेट टाइप की होती है, एक पट्टा टाइप का होता है, तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, स्नायु अर्थात लिगामेंट्स कहलाता है, जो कि एक प्रकार का दोस्तों पीला ऊतक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? अर्थात आपको बताना है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पावर लिख के दिया है और यहाँ पर आपको विद्युत लिख के दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर शक्ति होना चाहिए यदि पावर है तो, यहाँ शक्ति होना चाहिए, या फिर पावर की जगह पर दोस्तों आपका करंट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, यदि आप पावर की बात करें तो पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है, और वैसे विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एसआई में एम्पियर होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको एम्पियर भी दिया, वाट भी दिया है, तो आपको याद रखना है, ये मिसप्रिंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण होता है? आपको बताना है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ हार्ट अटैक, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हार्ट अटैक होता है उसका रीजन क्या होता है आपको बताना है, ये रक्त में प्रोटीन होता है, या कोलेस्ट्रॉल होता है, या रक्त शर्करा होता है, या रक्त यूरिया होता है, ये दोस्तों यहाँ पर होता है कोलेस्ट्रॉल। जब दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नलियों में चिपक जाता है दोस्तों, जो कि जो ब्लड का मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसको ब्लॉकेज कर देता है, तो उससे दोस्तों अचानक रक्त का प्रभाव बढ़ने पर वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, तो अटैक आना कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्मामीटर में कौन सा वाला पदार्थ होता है? अर्थात विच सबस्टेंस इज यूज टू थर्मामीटर इन थर्मामीटर, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो थर्मामीटर होता है असल में वो ताप को मापने वाला होता है, अर्थात तापमापी होता है, तो इसमें दोस्तों एक प्रकार से एक तरल पदार्थ आपने देखा होगा, द्रवित पदार्थ बीच में होता है,
तो वो दोस्तों पारा होता है अर्थात मरकरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की धातु है, मेटल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी वाली धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, अर्थात द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो कार्बन और हाइड्रोजन के माध्यम से बनते हैं दोस्तों, जो कंपाउंड अर्थात यौगिक, उनको दोस्तों आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखे होंगे CH4, C2H5 या फिर C3H8 या 7, जो भी हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से दोस्तों सारे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, अर्थात आपको बताना है बॉक्साइट इज ऑर ऑफ विच मेटल। अयस्क का मतलब आपको मालूम होगा दोस्तों, जिनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा हो जाएगा, सोना या तांबा या टेन या एल्युमिनियम। दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों, एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, आपको बताना है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। ये दोस्तों आपका NU होगा या SD होगा या SO होगा या NA होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा NA, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल डेडेस है, अर्थात आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड इज। ये दोस्तों क्या होगा, H2SO3 होगा या H2SO4 होगा या HCl होगा या HNO3 होगा। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा H2SO4, अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों H2SO3 होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होता है, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 होता है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, और मैथमेटिक के क्वेश्चन दोस्तों आपका जो आपका नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है वहाँ पर आपको मैथमेटिक मिलती है दोस्तों, और मैथमेटिक आपको कराई जा चुकी है, हमने आपको करा के यहाँ पर डाली है, वहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक का भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ में। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।